बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम ऑल नॉलेज हैकर्स फ्रेंड, हाउ आर यू? आई होप यू आर ऑल फाइन। आज लेके आया हूँ वीडियो दोस्तों। आज की वीडियो यूट्यूब चैनल से रिलेटेड है, यानी हम आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है हम किस तरह से अपने यूट्यूब के सब्सक्राइबर्स जो है वो हाइड कर सकते हैं और ये क्यों ज़रूरी होता है। दोस्तों आपको पता है कि हम जब भी यूट्यूब पर कोई वीडियो सर्च करते हैं तो हमारी ख्वाहिश होती है कि हम वो वीडियो देखें जिसे काफ़ी लोग देख चुके हों। जब हम उस वीडियो पर क्लिक करते हैं तो हमें एक और चीज़ नज़र आती है, उस चैनल के सब्सक्राइबर, यानी इसके सब्सक्राइबर ज़्यादा होते हैं। हम लोग प्रेफर करते हैं कि इसकी वीडियो देखें क्योंकि ये शायद बंदा ऐसा है, इसके सब्सक्राइबर अच्छे हैं, तो हो सकता है इस बंदे का जो नॉलेज है वो ऑथेंटिक हो और मतलब इस ये ज़्यादा जो है ना शायद इसका चैनल अच्छा हो। तो हम ट्राई करते हैं कि हम उस चैनल को देखें, उन्होंने वीडियो को देखें। तो दोस्तों आज मैं आपको जो तरीका बताऊँगा कि आप किस तरह से अपने सब्सक्राइबर को हाइड कर देते हैं। जब अपने चैनल अपने सब्सक्राइबर को हाइड करते हैं तो आपके चैनल पर जो भी बंदा विजिट करता है उसे ये आइडिया नहीं होता कि आपका चैनल नया है या पुराना है, तो वो यही समझता है क्योंकि आपके सब्सक्राइबर हाइड होते हैं तो वो समझता है कि ये आपके लिए बहुत बेहतर है, यानी कि ये चैनल जो है उनके लिए बेहतर, उनके नॉलेज के लिए अच्छा है, तो वो लोग जो है ना उस पर ज़्यादा फोकस कर लेते हैं और उस वीडियो को देख लेते हैं, जिससे आपका वॉच टाइम भी गेन होता है, आपके व्यूज भी बढ़ते हैं और आपके सब्सक्राइबर भी। और जब ऐसा बंदा आपके चैनल पे आके आपकी उससे वीडियो पसंद आती है तो वो सब्सक्राइब भी लाजमी करता है। तो दोस्तों आपने क्या करना है, सिंपली अपने पीसी या लैपटॉप के क्रोम ब्राउज़र में चले जाइए, ठीक है। क्रोम ब्राउज़र में जाने के बाद यहाँ पे आपने सिंपली youtube.com लिख लेना है। जैसे आपने लिखना है ये आपका सारा जो है डाटा ओपन हो जाएगा। फिर आपने यहाँ पर जो आपका चैनल का आइकन है उस पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपको क्रिएटर स्टूडियो ऑप्शन मिलेगा, आपने इसको क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे क्रिएट ये देखें आपके पास ये आपका चैनल ओपन हो गया हो जाएगा। आप लोगों ने क्या करना है, अब आपने यहाँ पे एक ऑप्शन होगा चैनल का, इसको क्लिक कर लेना है। इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद सेम इसके बिल्कुल नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा। जब आप ये चैनल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका मुकम्मल यानी कि सब चीज़ें आ जाएंगी। अगर आपके चैनल पर कोई स्ट्राइक लगा हुआ है वो भी आ जाएगा, और इसके अलावा आपकी जो है ना ये यानी कि जो जो डाटा इनेबल होने वाला है वो आपको यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है जी। तो आपने क्या करना है, ये एक चैनल के बिल्कुल नीचे एडवांस ऑप्शन, इसको आपने क्लिक कर लेना है। जैसे आप एडवांस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ आपके चैनल का सारा डाटा आ जाएगा, आपके चैनल का नाम, जैसे आप देख लें ये नॉलेज हैकर आया हुआ है जी, चेंज भी कर सकते हैं, कंट्री आया हुआ है, ठीक है जी, यहाँ पर काफ़ी चीज़ें आई हुई हैं, ठीक है। तो अगर आपकी कोई वेबसाइट है वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा सब्सक्राइबर काउंट का, ये देखें सब्सक्राइबर काउंट दो चेक दिए हुए हैं जी, एक पे लिखा है डिस्प्ले द नंबर्स ऑफ द पीपल सब्सक्राइब टू माय चैनल, यानी अगर आप यहाँ पे जैसे मैंने ये क्लिक कर दिया, अगर हम ये करते हैं तो इसका मतलब है कि अब हमारे सब्सक्राइबर हर बंदा देख सकेगा। आपने क्या करना है, यहाँ इसके नीचे डू नॉट डिस्प्ले द नंबर ऑफ द पीपल सब्सक्राइब माई चैनल, आपने इसको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन इज दिस, आपने सेव के बटन को लाजमी क्लिक करना है। जैसे आप सेव कर लेंगे तो आपके जो सब्सक्राइबर हैं वो हाइड कर दिए जाएंगे, यानी कोई नया विजिटर अगर आपके चैनल की कोई भी वीडियो ओपन करता है तो उसे आपका जो आपके सब्सक्राइबर हैं वो बिल्कुल नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ये बेहतर होता है उन लोगों के लिए जो जिनका चैनल नया होता है, उनको ये उनके लिए बहुत बेहतर होता है। जो भी लोग इनकी वीडियो देखते हैं तो उन्हें लगता है कि चैनल पुराना है, तो इस तरह से आपका वॉच टाइम और व्यूज भी बढ़ जाते हैं जी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी वीडियो, पसंद आई है लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन लाजमी प्रेस कर दीजिएगा। खुद का ख्याल रखिएगा, खुदा।